तो गाइज मैं आपको बता दें कि जो वन प्लस का 70 और वन प्लस का जो टीवी है वो आपको 26 सितंबर को इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। जो वन प्लस का 70 प्रो है उसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि वो आपको 26 सितंबर को देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। 10 अक्टूबर को एक और इवेंट होगा वन प्लस का, जिसमें वन प्लस का 70 प्रो और वन प्लस का टीवी ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा। बट वो जो इवेंट होगा वो आपको ग्लोबली देखने के लिए मिलेगा, इंडिया में देखने के लिए नहीं मिलेगा। इंडिया में जो आपको इवेंट देखने के लिए मिलेगा उसमें आपको वन प्लस का 70 और वन प्लस का टीवी देखने के लिए मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है जो वन प्लस का 70 प्रो वो आपको इंडिया में देखने के लिए मिल जाए 26 सितंबर को, बट इसके जो चांसेस है वो काफी कम है। तो गाइस इस वीडियो में आपको वन प्लस 70 की डिटेल स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो जो वन प्लस का 70 है उसका जो ऑफिशियल डिजाइन है वो लीक होकर आ गया है। तो गाइस जैसा कि आप इस इमेजेस में देख सकते हो आपको कुछ इस तरह से डिजाइन देखने के लिए मिलता है। पीछे वाले साइड आपको राउंडेड कैमरास देखने के लिए मिलते हैं, जिसके साथ ही आपको तीन कैमरास देखने के लिए मिलते हैं पीछे वाली साइड, और साथ ही साथ आपको इसके नीचे एलईडी फ्लैश देखने के लिए मिलती है, और ठीक नीचे आपको वन प्लस की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती है। तो गाइस ये डिजाइन आपको काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है, बट मुझे इसकी जो कैमरा पोजीशन है वो इतनी अच्छी नहीं लगी। अगर यहाँ पर वर्टिकल कैमराज या हॉरिजॉन्टल कैमराज होते तो इस स्मार्टफोन का डिजाइन काफी अच्छा होता। तो गाइस अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले के साइज के बारे में, इसमें जो आपको डिस्प्ले का साइज मिलेगा वो 6.55 इंचेस की कोड एचडी प्लस वाली डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको जो पैनल देखने के लिए मिलेगा वो एमोलेड पैनल देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस इसमें आपको काफी स्मॉलर नोच भी देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पर आपको कोई भी फुल व्यू डिस्प्ले देखने के लिए नहीं मिलेगी, और ना ही आपको कोई पॉपअप कैमरा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो कैमरा होगा फ्रंट वाला वो आपको इसकी नोच में देखने के लिए मिलेगा। और इसमें आपको जो रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलेंगे डिस्प्ले के वो 90 हर्ट्ज तक देखने के लिए मिलेंगे। इस स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले होगी वो काफी अच्छी होगी। बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो इस स्मार्टफोन में जो आपको प्रोसेसर मिलेगा वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस देखने के लिए मिलेगा, जो रिसेंटली क्वालकॉम ने अनाउंस किया था। परफॉर्मेंस के मामले में आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है। जैसा वनप्लस का 7 और 7 प्रो लॉन्च किया गया था तो उसमें आपको प्रोसेसर सेम ही देखने के लिए मिलता था, बट आपको थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन का डिफरेंस देखने के लिए मिलता था। तो ऐसा ही वनप्लस का 70 और 70 प्रो में होगा, आपको थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट ज्यादा देखने के लिए मिलेगी वनप्लस के 70 प्रो में। अगर हम बात करें इसके कैमरास की, तो इस स्मार्टफोन में आपको पीछे वाली साइड तीन कैमरास देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें जो मेन कैमरा होगा वो 48 मेगापिक्सल का होगा, जो सेकंड कैमरा होगा वो 16 मेगापिक्सल का होगा, जो थर्ड कैमरा होगा वो 12 मेगापिक्सल का होगा। जो 48 मेगापिक्सल का होगा वो रियर पर काम करेगा, जिसमें आपको सोनी का MX586 वाला सेंसर दिया जाएगा। 16 मेगापिक्सल का आपको जो कैमरा मिलेगा वो वाइड एंगल का काम करेगा। 12 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस देखने के लिए मिलेगा, और इसके साथ ही आपको एलईडी फ्लैश भी देखने के लिए मिलेगी इसके पीछे वाली साइड। और जो आपको फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलेगा वो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने के लिए मिलेगा, जो बेस्ड होगा एपर्चर F2.0 पर। उसके अगर हम बात करें इसके एंड्रॉइड वर्जन, इसके कस्टम रोम के बारे में, इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड वर्जन मिलेगा वो एंड्रॉइड 10 देखने के लिए मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। तो गाइस जो रिसेंटली गूगल ने अनाउंस किया था, ये जो स्मार्टफोन होगा इसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन देखने के लिए मिलेगा। उसके अगर हम बात करें इसकी कस्टम रोम के बारे में, तो इसमें आपको ऑक्सीजन ओएस देखने के लिए मिलेगा, जो वन प्लस की कस्टम रोम है, जिसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाला एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें इसके रैम एंड स्टोरेज वेरियंट के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में आपको दो वेरियंट देखने के लिए मिल सकते हैं इंडिया में, जिसमें आपको 8 GB की रैम 128 GB की स्टोरेज, 8 GB की रैम 256 GB की स्टोरेज। तो गाइस शायद इंडिया में आपको एक और वेरियंट देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें आपको 6 GB की रैम 128 GB की स्टोरेज देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद हम बात करें इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको जो बैटरी मिलेगी वो 3800 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको जो वन प्लस की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। स्पेसिफिकेशन तो आपको काफी अच्छी देखने के लिए मिलती है वन प्लस के 70 में। तो गाइस देखते हैं कि वन प्लस का जो 70 है वो किस प्राइस के साथ लॉन्च होता है। अगर इसकी जो प्राइस 30,000 से लेकर 35,000 के बीच में होती है तो मेरे ख्याल से ये स्मार्टफोन काफी अच्छा बिकेगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूं। थैंक यू।